नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। गुजरात पहुंचे पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साबरमती आश्रम पहुंच कर सीएम भगवंत मान ने चलाया चरखा। केजरीवाल के बाद आपका बड़ा चेहरा बने भगवंत। आईपीएस अफसर निम्बले के तबादले पर घिरी मान सरकार। कुछ दिन पहले रेत खनन से जुड़ा गुंडा टैक्स रैकेट पकड़ा गया था। 1.53 करोड़ की गई थी रिकवरी। क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह की हार्ट अटैक से हुई मौत। एनसीबी पर आर्यन की रिहाई के लिए रिश्वत मांगने का लगाया गया था आरोप। रूसी विदेश मंत्री से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने हिंसा खत्म करने की अपील। पश्चिम देशों के दबाव के बावजूद भी 40 मिनट तक चली चर्चा। श्रीलंका में इमरजेंसी। कोलंबो में सेना तैनात। कड़ी सुरक्षा के बीच खुली दुकानें। ईंधन की किल्लत दूर करने के लिए भारत ने भेजा 40,000 टन डीजल। राज्यसभा में बीजेपी की हुई सेंचुरी। बीजेपी ने 42 साल बाद मोदी शाह की अगुवाई में बनाया नया रिकॉर्ड। 8 साल में 46 सांसद जोड़े। एमपी में बना देश का सबसे बड़ा बम। पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट बंकर या रेलवे ट्रैक को पल भर में उड़ा सकता है। जबलपुर ओएफके ने एयरफोर्स को सौंपी पहली खेप। एक्सीडेंट रोकने के लिए सरकार की पहल। सिर्फ पुलिस की कार्रवाई ही नहीं, वजह की भी जांच करेगी सरकार। आईआईटी मद्रास के सुझाव से सुधरेंगे गड़बड़ी। आईआरएडी से जुड़ा पंजाब। पाकिस्तान में मासूम पूजा को दरिंदों ने मार डाला। हिंदू और ईसाई लड़कियों के लिए नर्क बना यह देश पाकिस्तान। हर साल हजारों बच्चियां होती हैं किडनैप। यूक्रेन पर हमले का 37वां दिन। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के 17,700 सैनिकों की हुई मौत। 143 प्लेन और 625 टैंक हुए तबाह। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ News India।